हेलो दोस्तों, शमशुद्दीन डॉक्टर न्यूट्रिशन से। आज यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। यूरिक एसिड क्यों फॉर्म होता है, इसके बढ़ने से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, फिर इसको कैसा आप ट्रीटमेंट करें। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है। नॉर्मल हमारे डाइजेशन के बाद में एक यूरिक एसिड एक फ्लूइड निकलता है जो हाई प्यूरिन प्रोडक्ट से फॉर्म होता है। ये मतलब के जो रेड मीट से हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स है, जो अल्कोहल, जो बियर ज़्यादा पीते हैं और इसका ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्यूरिन्स होता है। प्यूरिन्स के जब डाइजेशन के बाद में एक्सट्रैक्ट के बाद में एक यूरिक एसिड फॉर्म होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये यूरिन के ज़रिए हमारे निकल जाता है, बट इसके ज़्यादा बढ़ने से ये ब्लड में चले जाता है। फिर ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स थायराइड में, किडनी डिसीजेस में, और इसी तरह फिर सोरियासिस में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर ये गाउट बना देता है, एक इन्फ्लेमेशन जो जॉइंट्स के बीच में हो जाता है, जो फूल जाता है। अक्सर पैरों पे देख सकते हैं आप, एक गाउट फॉर्म हो जाता है। तो ये बहुत सारे क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स यूरिक एसिड हाई होने से। तो इससे आप कैसे अवॉइड करें, क्या करें? तो खाने में फर्स्ट डाइट में आपको रेड मीट्स बंद करना है, हाई प्रोटीन फूड जैसे कि ब्रोकोली, बीन्स वगैरह है, इसको कम करें, और ज़्यादा अल्कलाइन फूड्स इस्तेमाल करें, ग्रीन्स का इस्तेमाल करें, कुकुम्बर और लेट्यूस वगैरह ग्रीन्स लीव्स का इस्तेमाल करें, ज़्यादा वाटर इंटेक करें, हाई सॉल्टी और हाई शुगर फूड्स को अवॉइड करें, वॉकिंग करें, साथ में फिर सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। सप्लीमेंट जैसे कि ब्रोमेलिन एक एंजाइम टैबलेट्स मिलते हैं, ये अनानास एक्सट्रैक्ट होता है, इसका इस्तेमाल करें, ग्रेपफ्रूट जूस पीजिए, कुकुम्बर का इस्तेमाल करें, फिर टर्मरिक वगैरह, ये सारे इन्फ्लेमेशन में और यूरिक एसिड को बैलेंस करते हैं, तो इसके इस्तेमाल करें। नाइसिन एक B3 एक वाइटामिन है, इसका इस्तेमाल करें, और बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, आप डॉक्टर न्यूट्रिशन के वेबसाइट पर देख सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा, और फॉलो करिए, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।